मेरी लाइफ में मेरे फेवरेट पर्सन मेरी माँ. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन आपसे है यशवी जी, आपको ऐसा ये टाइटल जीतने के लिए नॉट टू शो ऑफ कंपनीज क्लोथ्स और नॉट टू So my question is, what all steps would you like to take to stop? इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि आपने बहुत ब्यूटी पेजेंट देखे होंगे जहाँ पे मोस्टली ब्यूटी को, पर्सनैलिटी को और इन्हीं चीज़ों को आगे माना जाता है. लेकिन ये एक अलग ही नारायणी क्लब ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, लगातार 4 साल से कर रहे हैं हम. और कोरोना की वजह से हम थोड़ा इस बार डिले हुए, 2 साल नहीं किया, अब इस बार किया. ये एक इस तरह का इवेंट है कि यहाँ पे हर लड़की, हर वुमेन अपने को प्राइड फील करती है. वो ये नहीं कि वो बाहरी सुंदरता की वजह से जानी जाए, वो आंतरिक सुंदरता की वजह से भी अपने आप को प्रूव कर सकती है. इसी मोटिव के साथ हम ये प्रोग्राम ईयरली करते हैं. इस साल हमारी विनर मिस हिना एंड मिसेस कैटेगरी में मंजू भारद्वाज हैं. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने, इनके अंदर जो इनर क्वालिटी थी उसके बलबूते पे ये किताब जीता है. मैम, जो लाइन में खड़ी हैं युवतियाँ फैशन शो में आने के लिए या उनको अवार्ड मिलने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि जितने भी आई हैं सब जीतने के लिए आई हैं और फर्स्ट और जब सेकंड कर न पाता है तो मैम कहीं ना कहीं उनके मन में भी रहता कि कहीं कमी रहेगी, उसको आगे बढ़ाएं. नहीं, ये वो इवेंट नहीं है. क्योंकि ये इसका जब हम स्टार्टिंग में इसकी ग्रूमिंग होती है, जब क्लासेस होती हैं तो उनको अच्छे से पता होता है भली बात कि हमारे इनर ब्यूटी को हम बाहर ला रहे हैं. इसलिए मेरी सारी कंटेस्टेंट इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटी है वो उसके बिहाफ में आती हैं और उनके अंदर जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उन्हें टाइटल मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं एक तो ये होता ही है, देखो कि कंपटीशन हमें आगे ले के भी जाता है, कंपटीशन हमें डिप्रेशन में भी डालता है. बट ये ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन आगे ले जाने वाला कॉम्पिटिशन है. मैम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. किस तरीके से देखती हैं नारायणी संस्था को, किस तरीके से आप कहेंगे, क्या मैसेज? नारायणी क्लब एक ऐसी संस्था है जो जिन्हें, जो औरतें घर में रहती हैं जिनको पता नहीं होता, जो ऐसे मंच पर खड़ा होना चाहती हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ. तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि मंच पर खड़े होने की, कोई भी काम करने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में आत्मविश्वास चाहिए. बिलीव इन योर सेल्फ एंड चेज योर ड्रीम्स. मैम, पहले भी क्या ऐसे इस तरीके से भाग लिया है प्रतियोगिता में आपने? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. बट मैंने इसी संस्था के फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, बट एज अ ब्यूटी पेजेंट तो मैंने इसी में पार्टिसिपेट किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. मेरा नाम डॉक्टर हीना सहरावत है. मैम, क्या कहेंगे आज जो आप फर्स्ट विनर बनी? सबसे पहले तो आपके ढेर सारे शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूँ विनर बनकर, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. स्पेशली द मोटिव बिहाइंड दिस फैशन शो, दिस ब्यूटी पेजेंट, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. आई रियली प्रमोट दिस आइडिया. और इससे सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जैसे जो बहुत सारी लड़कियाँ हैं आसपास, वो हमसे रिलेट कर सकती हैं और कॉन्फिडेंस जो है उनमें भी आ सकता है आगे बढ़ने का और कुछ करने का. कि सिर्फ घर संभालना या सिर्फ अपने प्रोफेशन के अलावा भी जो उनकी दिली ख्वाहिशें हैं उनको पूरे करने की हिम्मत मिलती है अगर हम सबको वो ये सब करते हुए देखते हैं. मैम, क्या लग रहा था जितने भी आप रहने साथ में थी, क्या लगता था कि फर्स्ट आप लेकर आएंगे? नहीं, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था. मैंने बस एक्चुअली मैं बस पार्ट लेना चाहती थी. जैसा कि मैंने कहा, मैंने आज तक किसी करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया था, तो मेरे लिए एक उसी एक्टिविटी का पार्ट था. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वन.
बट अगर मैं नहीं भी जीती तो मैं बहुत खुश होती, और मेरे हिसाब से मेरी जो सब काउंटर पार्ट्स थे वो सब ही विनर्स हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. सो एटलीस्ट दे केम हियर एंड पार्टिसिपेटेड, दे हैड दैट टैलेंट इन देम, दैट्स व्हाई दे वर स्टैंडिंग हियर विद मी. मेरा नाम तमन्ना शेरावत है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को प्रिंसेस का टाइटल मिला है, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं इस फेडरेशन से जुड़ी हुई हूँ. और जो औरतों को ये मोटिवेट करता है कि तुम खुद कुछ हो, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू होने के अलावा तुम सबसे पहले एक औरत हो, जो करो खुद के लिए. थैंक यू. सर मेरा नाम हीना है. मैं बोलना चाहती हूँ नारायणी संस्था में मैं अभी जुड़ी हूँ, और ये मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अवार्ड मिला है. मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामना देना चाहती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. पूजा है और मैं नारायणी क्लब से जुड़ी हूँ, और मुझे सुपर मॉडल का जो अवार्ड मिला है, और मैं सभी देशवासियों को सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ. हैप्पी न्यू ईयर.